नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज के खास प्रोग्राम अपना बिहार में, और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म किए जाने को लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी तक इस पर चुप्पी साधे हुए थे, लेकिन अब मुख्यमंत्री ने भी इस मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी को कोर्ट से मिली सजा और संसद सदस्यता खत्म किए जाने को लेकर साफ साफ कह दिया कि वह कोर्ट के किसी मामले में कभी कुछ नहीं बोले हैं। 17 साल से सरकार चला रहा हूं, कई केस होते हैं, लेकिन कोर्ट के फैसले पर कभी कोई टिप्पणी नहीं की और आगे भी कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। तो नेवादा के हिसुआ में आगामी 2 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दौरे पर रहेंगे। अमित शाह के दौरे से पहले नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूरे देश में पीएम मोदी के नेतृत्व में विकास कार्य हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने आगामी चुनावों में बिहार में भी इस बार बीजेपी की सरकार बनने की बात कही, जिसमें बिहार का सांस्कृतिक विरासत ही नहीं, बिहार का गौरव भी बढ़ेगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो उसको लेकर के हमारे गृह मंत्री जी आ रहे हैं और अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी है। तो बिहार के जेडीयू नेता नीरज सिंह ने अमित शाह पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अमित शाह को साल 2015 का 15 का याद दिलाते हुए कहा कि याद है ना किस तरह 2015 के विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को बिहार में महागठबंधन ने चारों खाने चित कर दिया था। इसीलिए 2024 में भी बीजेपी तो सत्ता से बेदखल करने पर काम किया जा रहा है। माननीय अमित शाह जी, एहसास है न कि आपके नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में 2015 में विधानसभा चुनाव हुआ था, चारों खाना चित हुए थे, वही महागठबंधन की उठी हुई आवाज है कि देश के अंदर में बिहार मॉडल गैर भाजपा दलों का महागठबंधन बने या आकार रूप लेने के लिए देश में राष्ट्रीय विमर्श हो रहा है। इसलिए 2024 में आपको सत्ता से बेदखल करना है, जो रोजगार छीन ले, महंगाई पर नियंत्रण नहीं पाए। बीजेपी नेता हरिभूषण ठाकुर ने अशोक सम्राट जयंती को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने कभी भी इस तरह अशोक सम्राट की जयंती नहीं मनाई है। चक्रवर्ती सम्राट अशोक कुशवाहा जाति के थे और अब जबकि नीतीश कुमार को कुशवाहा छोड़ चुका है, तो अब कुशवाहा जाति के सम्राट अशोक की जयंती के बहाने कुशवाहा जाति को साधने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि बीजेपी हमेशा से सम्राट अशोक की जयंती मनाती रही है। हमने अभी कुशवाहा जाति से आने वाले सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, तो अब नीतीश कुमार उसकी काट ढूंढ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी कभी भी सम्राट अशोक की जयंती नहीं मनाए हैं। महान सम्राट अशोक की जयंती मनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार शुरू किया था और लगातार मनाते आ रहा है। डाक टिकट जारी करना हो, सम्राट अशोक के नाम पर कन्वेंशन हॉल बनाने का काम का घोषणा करना हो, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय सम्राट चौधरी जी ने इसकी घोषणा की थी और मंत्री रहते हुए, और हमने सरकार पर दबाव बना करके सम्राट अशोक के नाम पर बिहार से लेकर के पूरे देश भर में सम्राट अशोक के नाम पर डाक टिकट जारी कराना, कन्वेंशन हॉल बनाना और उनकी की महानता का विस्तार करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो बिहार के भागलपुर जिले में रामनवमी के मौके पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुबह से ही राम मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी हुई है। वही शहरों के मुख्य बाजार में घंटा घर के पास महावीर मंदिर में ध्वजारोहण और पूजा अर्चना की जा रही है। रामनवमी को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह देखा जा रहा है।
पूजा अर्चना तो बहुत अच्छी तरह से किया, लेकिन भीड़ बहुत है, भीड़ बहुत है। आज के दिन भगवान श्री राम जी 14 वर्ष के वनवास के बाद लौटे थे, उसी खुशी में मनाया जाता है। आज रामनवमी का राम का जन्मदिन है, उसमें महावीर जी का ध्वजा पताका फहराया जाता है। ये बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, 100 वर्ष पुराना। आज राम जी का जन्म के उपलक्ष्य में हनुमान जी का पताका यहाँ फहराया जाता है, ये हर साल 100 वर्ष पुराना है। औरंगाबाद में रामनवमी के मौके पर शहर भर के मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। शहर भर के मंदिरों में भक्त सुबह से ही माता के दर्शन के लिए कतारों में लगे हुए हैं। हर जगह बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं और बड़े ही भक्ति भाव से नवमी पूजन कर रहे हैं। भागलपुर में रामनवमी को लेकर भगवा क्रांति की ओर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। इस दौरान राम भक्त डीजे पर श्री राम धुन पर जमकर झूमे। बता दें कि इस दौरान पूरा शहर भगवा में नजर आया। यात्रा में भगवान राम की 14 फीट की भव्य प्रतिमा भी यात्रा में रही। वही जुलूस को लेकर चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिली। ट्रैफिक हर वर्ष की भांति इस बार भी उसी तरह से काम करेगी जैसे पिछले बार की थी। जिधर से रूट है उधर से रूट को डाइवर्ट कर दिया जाएगा और लोगों का अल्टरनेटिव जो रोड है उससे जाने के लिए हम ट्रैफिक का जो फोर्स है उसको लगाए हुए हैं। ट्रैफिक में किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं होगी। अभी लंबा जय श्री राम। यह यात्रा भगवा यात्रा है, प्रभु राम लला जी का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है काफी धूमधाम से। यह हिंदू नववर्ष है, हिंदू नववर्ष में हम लोग काफी धूमधाम से प्रभु राम लला का जन्मदिन मनाते हैं। चैती माँ दुर्गा का भी पूजा है, आज महाअष्टमी का भी पूजा है। पूरा सनातनी भाई आज भगवा रंग में रंगे हैं और सब जगह हर चौक चौराहे पे एक ही नारा नारा जाएगा, वो है जय श्री राम। वही बेगूसराय के नीमा चांदपुरा थाना क्षेत्र में एक बार फिर डकैती का मामला सामने आया है, जिसमें एक हथियार बंद डकैतों ने दो ज्वेलरी शॉप और एक किराना की दुकान का शटर तोड़कर डकैती को अंजाम दिया। डकैतों ने दोनों दुकानों से तकरीबन 10 लाख से ज्यादा के सामान की डकैती की। घटना के बाद दुकानदारों में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि डकैतों ने पहले दुकान के मालिकों को हथियार दिखाकर बंधक बनाया, उसके बाद घटना को अंजाम दिया। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की तहकीकात में जुट गई है। केना केना के अइले कंपटीन गोली सटा इधर बेटा पुतो को घर जाय रहे हम नहीं जाय दे। अपने के कंपटीन गोली सटेने रहले? हां सटेने रहले। हमर सारी कपड़ा सब लूट ले। दुकान बंद करके हम घर गए और यहाँ पर ही जो है सामान सब इसी दुकाने में था, तिजोरी में। और रही बात 2 लाख रुपया गैस था, बंधक का सब सामान था, जेवर भी मेरा दुकान वाला था, सब सोना उना था, चांदी उदी था, सारा सारा सामान उठा के ले गया बाहर में। ले जाके उसको कटर मशीन से काट के सब सामान निकाल लिया। हम लोग जो बंधक रखे उनको हम कहाँ से देंगे, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा हम की करें। हम बर्बाद हो गए, हमारा क्षति क्षति हो गया, पूरा सामान टुकड़ी टुकड़ी करके निकाल लिया। तो बिहार के समस्तीपुर में इन दिनों आग का कहर देखने को मिल रहा है। आए दिन यहां आग लगने से दर्जनों घर जलकर खाक हो गए हैं, तो वहीं ना जाने कितने परिवार घर से बेघर हो चुके हैं। बता दें कि ताजा मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मोरदीवा गांव का है, जहां 3 एकड़ गेहूं की फसल में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते पूरी फसल जलकर खाक हो गई। जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने स्थानीय लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि आग कैसे लगी इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद नजर डालते हैं आगे की खबरों पर।
खगड़िया जिले के परबत्ता थाना क्षेत्र में हवा में फायरिंग करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दो युवक अवैध हथियार से हवा में फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि इन युवकों के ऊपर पहले से कई मुकदमे दर्ज है। वायरल वीडियो के बाद अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। हालांकि TNP न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बिहार थाना क्षेत्र इलाके के नालंदा में बिहार शरीफ सदर अस्पताल परिसर में एक युवक की गला दबाकर हत्या कर दी गई। उसके बाद युवक के शव को अस्पताल की दीवार में बने लोहे की रॉड से लटका दिया गया ताकि मामला आत्महत्या का लगे। हालांकि घटना को लेकर मृतक के भाई का कहना है कि कुछ दिन पहले अस्पताल में पोस्टमार्टम करने वाले युवक और अन्य लड़कों के साथ मृतक की मारपीट हुई थी, जिस पर युवकों ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। फिलहाल मामले को लेकर सदर DSP डॉक्टर शिबली नुमानी का कहना है कि मामले की हर तरफ से जांच की जा रही है। जांच के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अस्पताल में लगी CCTV फुटेज को भी खंगाल रही है। 9 बजे तक सही था भाई, पर मां के साथ डीएस किया क्या किया इसको पास में लाके मार के पीछे डाल दिया। प्रेम है और बंधन है, बंधन में है वो प्रेम मां। तुम्हारा कोई विवाद हुआ था क्या? कोई विवाद नहीं। एक अभय कुमार है, 25-26 साल के युवक है। इस संबंध में जानकारी मिली, उसका शव है यहाँ, परंतु इनके परिजन के द्वारा बताया गया कि गमछी से जो बाउंड्री वाल में जो ग्रिल है उससे लटका हुआ था। तो कितना मिलते हम लोग आए हैं, उनके परिजन से पूछताछ कर रहे हैं। तो संदीप लोगों का नाम उन्होंने बताया, उसे हिरासत में लिया गया। तत्काल हम लोग जो आगे की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं, सभी बिंदुओं पर हम लोग सर कोई मोकामा प्रखंड की बड़हरपुर पंचायत क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक दबंग मुखिया और उसके बेटे ने एक दलित पिता और बेटे को धारदार हथियार से काट कर जख्मी कर दिया। गंभीर हालात में पिता को PMCH में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वही बेटा अभी भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। बता दें कि घटना के बाद से ही सभी आरोपी फरार है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर थाने में पुलिस ने महिला की हत्या का खुलासा किया है। SP विनय तिवारी ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि चचेरी बहन से अवैध संबंध को लेकर युवक ने अपनी चाची की हत्या कर दी थी। जानकारी के मुताबिक अवैध संबंधों की जानकारी मिलते ही चाची ने अपनी बेटी को बहन के यहाँ भेज दिया था, जिसे नाराज होकर युवक ने अपनी चाची की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना प्रभारी मोदी नगर द्वारा तुरंत घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और उनके द्वारा घटना होने के एक घंटे के अंदर ही घटना का सफल उद्घाटन कर लिया गया था। आज उसमें गिरफ्तारी भी हो गई है। मुख्य अभियुक्त जो है जिसने घटना की है वो गिरफ्तार हो गया है, उसको जेल भेजा जा रहा है। ये घटना धीरज कुमार गिरी ने की। धीरज कुमार गिरी ने मृतिका बबीता देवी इसको मारा था और मृतिका धीरज कुमार गिरी की अपनी चाची है, ये उसी घर में रहता था। भतीजे ने ही अपनी चाची की हत्या की थी। इस घटना का उद्भेदन जब हुआ तो ये स्पष्ट हुआ कि घटना का कारण मृतिका बबीता देवी की जो बेटी थी उसके साथ धीरज कुमार के अवैध संबंध थे। वही समस्तीपुर में ऑटो चालक बस चालकों की मनमानी से परेशान होकर 5 दिनों से हड़ताल पर है, जिसके चलते सड़क पर चलने वाले राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आंदोलनरत ऑटो चालकों का कहना है कि बस स्टैंड में जगह निर्धारित होने के बावजूद बस चालक उन लोगों को परेशान कर रहे हैं। जब से सड़क वन वे हुई है, एक रूट पर चलने के कारण बस चालक इन लोगों को सवारी नहीं लेने दे रहे हैं, जिससे परेशान होकर ऑटो चालक पूसा के गढ़िया चौक और ताजपुर में हड़ताल कर रहे हैं। हम तो यही कहना चाहेंगे कि हम लोग को सही सलामत हम लोग को जगह दिया जाए। जगह तो हम लोग के पास अवेलेबल है ही वहाँ पे समस्तीपुर में, लेकिन ये लोग हम लोग बस वाले की मनमानी कर रहे हैं, चलने नहीं दे रहे हैं। प्रशासन इस पे कुछ नहीं कर रहा है। प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि हम लोग का जो जगह है वो हम लोग को मुहैया कराया जाए उनसे, और ये बस वाले का मनमानी नहीं चले। हम लोग गरीब आदमी हैं, कहाँ से, अगर मान लीजिए 5 दिन से हम लोग बैठे हुए हैं, खाएंगे पिएंगे कहाँ से? हम लोग का यही बच्चा है, वो कहाँ जाएगा? लोग हमारे स्टैंड में हर एक 10 मिनट पे टेम्पू लगाओ और यहाँ से पर्ची कटाओ, जो पर्ची लगता है, और उसके बाद आप सब गढ़िया बिरौली का सवारी बैठा के जाओ। हम लोगों ने जब चलना स्टार्ट किया तो बस वाले लोगों ने, हम लोग उस पॉइंट से निकले, यहाँ जो बस वाले का पॉइंट है, उन लोगों ने क्या काम किया, सवारी उतार लिया और हम लोगों को मारने के लिए धमकी देता है कि तुम लोगों को नहीं चलने देंगे, अगर यदि चलेगा तो तुम लोगों के साथ दुर्व्यवहार का प्रयोग किया जाएगा। बिहार की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए TNP न्यूज के साथ।